सब ठीक किया तुमने, बस एक बात भूल गए, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, भाई सब क्या चल रहा है? टाइगर 3 चल रहा है जी दोस्तों। टाइगर 3 ने आज दूसरा दिन शानदार तरीके से कंप्लीट करके थर्ड डे पर एंट्री मार ली है और शानदार एंट्री मारी है। पहला और दूसरा दिन जबरदस्त कमाई करी है, जहां तक कि सेकंड डे पे जवान के सेकंड डे कलेक्शन के रिकॉर्ड को भी बीट डाउन किया है। तो अभी सब चीज़ों पर बात करेंगे, यहाँ किस इस मूवी ने कौन सी कितनी बड़ी मूवी के रिकॉर्ड को बीट डाउन कर दिया है, कितनों को नहीं कर पाई है, क्या कलेक्शन अभी तक रहा है, कल सेकंड डे में कैसी कमाई रही है, फर्स्ट डे कैसी ओपनिंग थी, सभी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। उसके बाद थर्ड डे आज कैसा चल रहा है, एडवांस में जबरदस्त नंबर आते दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, ये मूवी आज टिक पा रही है नहीं टिक पा रही है, थिएटर्स में हेटर्स की क्या भूमिका है, सभी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, कब, जब आपको एक आध मिनट में काम पसंद आ जाए तब। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट डे का कलेक्शन देखेंगे। फर्स्ट डे ओपनिंग शानदार रही है, नेट इंडिया से 44.5 करोड़ आया है, पूरी दुनिया से 94 करोड़, भाई सब ह्यूज नंबर भाई। और टाइगर 3 की जो हाइप थी, टाइगर 3 का जो ट्रेंड चल रहा था, उसको देख के लग नहीं रहा था कि ये मूवी स्लाइटली 100 करोड़ टच करेगी, बिल्कुल मात्र 6 करोड़ कम रहे हैं इस मूवी को 100 करोड़ टच करने पर भी, लेकिन बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल था, ऊपर से वर्ल्ड कप में इंडिया का मैच चल रहा था, उसके बावजूद भी ये मूवी पूरी दुनिया से 94 करोड़ लाने में सफल रही है। तो ह्यूज कलेक्शन। कल का दिन कैसा रहा, कल सेकेंड डे पर कैसी क्या कमाई करी है इस मूवी ने, कल भी जबरदस्त आग फाड़ी है। वही चीज़ की फर्स्ट डे अगर मूवी को रिव्यू अच्छे मिल जाते हैं, पॉजिटिव रिव्यू अच्छे मिल जाते हैं, तो सेकंड डे कमाई बहुत ज़्यादा हाई निकलती है। या तो फर्स्ट डे ही मूवी अच्छी कमाई करती है और सेकंड डे डाउन हो जाती है, या तो फर्स्ट डे एवरेज ओपनिंग रहेगी तो सेकंड डे हाई हो जाती है। जबरदस्त कमाई करी है, नेट इंडिया से 60 करोड़ का आता दिख रहा है एंड ऑफ द डे तक, जिसमें सिर्फ हिंदी से 58 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 70 करोड़, ओवरसीज से 20 से लगभग 22 करोड़ आता दिखा है। क्योंकि ओवरसीज में कोई दिवाली ओकेजन नहीं चल रहा, कोई गोवर्धन पूजा, कोई कुछ नहीं चल रहा है, ये सिर्फ इंडिया में चल रहा है। दैट्स व्हाई कि कल था वर्किंग डे एंड प्रॉपर वर्किंग डे, इसलिए ओवरसीज से इतना अच्छा कलेक्शन आता नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया से ये मूवी का लैंड ऑफ द डे तक 90 करोड़ के आसपास अपने खाते में लाते दिख रही है। डेफिनेटली 88 करोड़ आ जाएगा मिनिमम, लेकिन 90 करोड़ से ऊपर ही आने वाला है, क्योंकि कल बहुत जबरदस्त कमाई करी है इस मूवी ने। अभी बात करते हैं पहले दो दिन में इस मूवी ने कल एंड ऑफ द डे तक कितनी कमाई कर ली है। नेट इंडिया से मैं बताऊं तो 105 करोड़ के क्लब में एंट्री मार चुकी है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सलमान खान के लिए, क्योंकि अभी तक जो भी मूवी आ रही थी पहले दो दिन में 100 करोड़ तो छोड़ो, 30 करोड़ कंप्लीट करना मुश्किल हो जा रहा था, किसी का भाई किसी की जान 120 करोड़ में आके दम तोड़ गई, जबकि रनिंग 15 से 16 दिन थी थिएटर में उसकी, उसके बावजूद लेकिन अभी दो दिन के अंदर ही नेट इंडिया से 105 करोड़ कंप्लीट करते नजर आ रही, मतलब 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार चुकी है ये मूवी। पूरी दुनिया से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 184 करोड़ के क्लब में एंट्री मारते दिख रही है। कल की रिपोर्ट फ्लेक्सिबल है, हो सकता है ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़कर आए, तो हो सकता है ये 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मार जाए, लेकिन 180 करोड़ प्लस ये मूवी जानी ही जानी है कल एंड ऑफ द डे तक। तो कल कौन कौन सी मूवी के रिकॉर्ड ये तोड़ पाई है, तो भाई साहब मैं आपको बताऊंगा, बीट डाउन कर दिया है अपनी ही मूवी टाइगर जिंदा है के रिकॉर्ड को भी, सुल्तान के रिकॉर्ड को, और भारत मूवी के रिकॉर्ड को, जो अभी तक शायद सबसे हाई कलेक्शन लेके बैठी थी फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे कलेक्शन के मामले में, इन दोनों को बीट डाउन किया। लेकिन पठान को सेकेंड डे के मामले में बीट डाउन नहीं कर पाई है, क्योंकि पठान का कलेक्शन था लगभग 70 करोड़ नेट इंडिया से, और कल ये मूवी इतनी तो कमाई करती नजर नहीं आ रही है, लेकिन जवान के रिकॉर्ड को बीट डाउन कर दिया, जो इस साल की नंबर वन क्रॉसर मूवी है उसके सेकंड डे कलेक्शन के रिकॉर्ड को बीट डाउन कर दिया, जिसने 53 करोड़ की कमाई नेट इंडिया से सेकंड डे पे करी थी। तो ऐसा मुद्दे की बात पर आओ कि आज थर्ड डे में कैसी कमाई चल रही है, तो एडवांस बुकिंग से स्टार्ट करेंगे। एडवांस बुकिंग शानदार रही है, पूरी हिंदी से 11 करोड़ की एडवांस कलेक्शन इस मूवी ने करते नजर आ रही है, और आज लगभग 20,000 सोज हैं इसके खाते में। स्टार्टिंग ओपनिंग थी लगभग 18,500 के आसपास, और कल 19,200 या फिर 100 के आसपास इसके पास सोज थे, और आज पूरे के पूरे 20,000 सोज इसके खाते में आ चुके हैं, जो बिल्कुल जवान के रिकॉर्ड को मैचअप करते हुए जा रहा है। तो भाई यहां से अब तबाही देखने को मिलने वाली है, क्योंकि कल का डे भी हॉलीडे रहेगा और ज़बरदस्त कमाई करेगी, तो
आज ये टोटल बुकिंग कितनी ले चुकी है एडवांस से, टोटल टिकट ये 4.5 लाख बेच चुके हैं, जो कि थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन वॉकिंग ऑडियंस जैसा कल था, कल भी एडवांस बुकिंग कोई ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन जो वॉकिंग ऑडियंस थी ऑन द स्पॉट जाके जो बुकिंग करी है, उन्होंने पूरे खेल को ही पलट दिया। कल 12 बजे तक ही लगा देख के कि भाई अब ये मूवी फाड़ के जाने वाली। एडवांस कलेक्शन के मामले में आज ये मूवी 11 करोड़ 60 लाख के आसपास अपने खाते में रखते नजर आ रही है। तो भाई साहब आज ये मूवी कितना कमाएगी, कितना प्रिडिक्शन जा रहा है इस मूवी का, तो लगभग में लगभग नेट इंडिया से 50 करोड़ ये मूवी इजीली टच कर रही है, जिसमें से अराउंड 48.5 करोड़ या फिर स्लाइटली 49 करोड़ ये सिर्फ हिंदी से लेके आने वाली है, और पूरी दुनिया से ये मूवी लगभग में लगभग 70 करोड़ के आसपास टच करते नजर आएगी, जो ओवरसीज से 18-20 करोड़ के आसपास कलेक्शन आता दिख रहा है। तो भाई ये मूवी अब करेगी तबाही। तो आज क्या ये जवान के थर्ड डे के रिकॉर्ड को बीट डाउन कर पाएगी, जिसने नेट इंडिया से जाइंट कलेक्शन किया था 74.5 करोड़। देखो उस टाइम पर जवान का जब थर्ड डे था, तब सैटरडे का हॉलीडे का फुल फायदा मिल रहा था, लेकिन जवान का जो फोर्थ डे था संडे का, उसने जाइंट रिकॉर्ड सेट करके रखा है। आने वाले 10 साल में ऐसा कोई भी, मुझे नहीं लग रहा कोई भी बड़े से बड़े स्टार की मूवी उस रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगी। मे बी टाइगर 3 में वो पोटेंशियल है, वो कर जाए, क्योंकि कल भी प्रॉपर हॉलीडे है और ज़बरदस्त तरीके से कर सकती है। तो आज ये क्या जवान के रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन करेगी नहीं करेगी, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन आप लोगों के हिसाब से मूवी अब लाइफ टाइम कलेक्शन कितना करते नजर आ रही है, मिनिमम 500 करोड़ ये अपने खाते में लेके जाएगी। आप लोगों की क्या राय है कि यह मूवी जवान और पठान की तरह 1000 करोड़ टच करेगी या नहीं करेगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।